हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा आरआरबीजी 2020 कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का रहेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब आप आरआरबीजी 2023 में जो वैकेंसी आने वाली है उसका प्रिपरेशन किस तरीके से आप स्टार्ट करोगे, उसका टिप्स क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, तो ये सारा टॉपिक्स मैंने चूज किया है, ठीक है ना। यानी कंप्लीट मैंने कंप्लीट गाइड किया इस वीडियो में किस तरीके से स्टार्ट करना है प्रिपरेशन का आरएलबीजे CBT 1 एंड CBT 2 का, ठीक है ना। CBT 1 में अपने नॉन टेक्निकल होता है, तो नॉन टेक की तैयारी कैसे करें, टेक्निकल की तैयारी कैसे करें। टेक्निकल में मेनली मैं फोकस करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में टेक्निकल पर मैं फोकस करूंगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का तैयारी कैसे करें, ठीक है, कौन सा बुक पढ़े। फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं या कॉलेज कर रहे हैं तो उसका साथ में तैयारी कैसे करें, पैरेलल वाइज तैयारी कैसे करें। सेल्फ स्टडी अगर आपको करना है तो सेल्फ स्टडी से किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एंड लास्ट जो रहेगा अपने टॉपिक्स वीडियो का वो प्रिपरेशन टिप्स पर रहेगा, ठीक है ना। क्या प्रिपरेशन टिप्स दूँ जो आप एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दो आरआरबीजी, ठीक है ना। तो चलो फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और फिर वेलकम हमारे चैनल पर, अगर आप पहली बार विजिट किया हमारे चैनल पर, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर शेयर भी कर देना, शेयर बटन पे क्लिक करके शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं एंड फिर देखते हैं सबसे पहले क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे का सिनेरियो क्या है। तो मैं एक स्लाइड ऐड किया हूँ और उसके पहले आप समझो कि करना क्या। सबसे पहले जो रेलवे पूछती है वो सबसे पहला स्टेप जो रहती है अपना वो CBT 1 रहती है, ठीक है ना। CBT 1 रहती है, आई मीन सेकंड जो स्टेज रहती है वो CBT 2 रहती है, ठीक है ना, CBT 2 रहती है, ओके ना। तो CBT 1 एंड CBT 2 रहेगा एंड लास्ट भी अपना जो रहता है वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी अपना प्रोसेस रहता है, मेजर मेजर पोर्शन जो यही दो को CBT 1 एंड CBT 2 रहेगा। ये जो अपना रहता है वो नॉन टेक रहता है एंड ये अपना जो रहता है वो टेक्निकल रहता है, ठीक है ना। तो देखो आप ना अभी आधे घंटे कम से कम कॉन्स्टेंट होकर हमारे वीडियो को देखना, ठीक है। अगर कॉन्स्टेंट होकर अपना सिर्फ आधा घंटा टाइम निकालो, 30 मिनट अपना टाइम निकालो, ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आगे बढ़ोगे जैसे जैसे ये वीडियो आपको अच्छा लगने लगेगा और मैं पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो यहाँ पर आपको रिजॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँ, ठीक है ना। तो आप पेशेंस से रखिए, आपने आधा घंटा यहाँ पे टाइम, तो हो सकता है आपका आधा घंटा बहुत कामगार साबित हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत यूजफुल हो ये आधा घंटा, अगर आप हमें अपना आधा घंटा दोगे तो। तो चलो फिर, तो ये अपना CBT 1 एंड CBT 2, ठीक है ना। CBT 1 क्या होता है, नॉन टेक होता है एंड CBT 2 जो होता है वो टेक्निकल पेपर होता है। तो ये नॉन टेक सभी सभी ब्रांच के लिए कॉमन होता है, यानी ये कॉमन पेपर होता है, जो कोई भी ब्रांच का होगा उसके लिए कॉमन होगा, ठीक है ना। ये बाकी स्पेसिफिकेशन होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। मान लो कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई इलेक्ट्रिकल से, तो उसके लिए अलग अलग पेपर होता है, ठीक है। मैं सारा पैटर्न यहाँ पे बनाया हूँ, वो पैटर्न किस तरीके से रहेगा वो मैं सारा पैटर्न मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे पहले मैं CBT 1 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, ठीक है ना, ताकि आप CBT 2 पे आप कैसे जाओगे। सबसे पहले आप अगर CBT 1 क्लियर करोगे तब ना, तो CBT 1 पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्लियर करने से पहले उसका सिलेबस समझना पड़ेगा, क्या उसका पोर्शन आता है, कौन सा मेजर पोर्शन है, कौन सा माइनर पोर्शन है, किसको आपको कंप्लीट करना है, किसको कंप्लीट कम करना है, ठीक है ना, कौन आपको ज्यादा पढ़ना है, कौन कम पढ़ना है। तो टॉपिक्स पे देखो किसका ज्यादा वेटेज है, किसका कम वेटेज है। तो चलो मैं टैक्टिक लेके चलता हूँ अपने स्लाइड्स पे। तो ये देखो अपना स्लाइड है जिसमें आरआरबीजी CBT 1 का पूरा कंप्लीट डिटेल मैंने दिया हूँ, मैं दे दिया हूँ। तो इसमें टोटल अपने पास जो होता है वो 4 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, ठीक है। मैथमेटिक्स जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चन का, ठीक है ना, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन का रहेगा एंड 25 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन का रहेगा एंड 15 मार्क्स 50 क्वेश्चन रहेगा एंड फिर 30 क्वेश्चन GS का रहेगा, ठीक है ना, 30 मार्क्स का, ठीक है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन रहता है एंड देन 100 क्वेश्चन रहेगा एंड क्वेश्चन ड्यूरेशन 100 रहेगा, ओके ना। तो टोटल कहने का मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा और टोटल आपको टाइमिंग जो दिया रहेगा वो 90 मिनट्स। तो ये जो लिखा हुआ था मैंने वो बताया, अब आपको समझना क्या है इसके पीछे। तो आपको मेन फोकस जो करना, अगर आपको जो सिलेक्शन दिला सकता है वो सिलेक्शन दिलाएगा मैथमेटिक्स, ठीक है ना, रीजनिंग मैथमेटिक्स दिलाएगा, रीजनिंग दिलाएगा एंड GS पोर्शन दिलाएगा, ठीक है ना। ये 3 पोर्शन अगर आपका अच्छा है तो समझो कि आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। अगर ये 3 पोर्शन को देखो तो कितना, देखो कितना बेटर, 30 प्लस 25 प्लस 30 अप्रोक्स लगभग 85 क्वेश्चन आपको यहाँ से डील हो जा रहा है, ठीक है। मतलब आप 85 क्वेश्चन 85% आपने क्वेश्चन बना दिया अगर आपका इतना पोर्शन स्ट्रांग है। तो अब इसको किस तरीके से स्ट्रांग करना है, तो स्ट्रांग करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसके बीच का, इसके अंदर का क्या क्या है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, GA उतना मेजर नहीं है, GM आप सिर्फ आप करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, अगर करंट देख लोगे तो समझो कि आपको 15 में से हर हाल में आपको 7 नंबर तो आना ही आना है, ठीक है ना, 5, 6, 7 नंबर तो आपका आ जाएगा। तो इतना टफेस्ट नहीं है GA, अगर आप GA पढ़ लोगे, हिस्ट्री से ज्योग्राफी वगैरह जो भी, मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या करना, मैं आगे सारा डिटेल्स में बताऊंगा।
ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन पैटर्न था, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, किससे कितना क्वेश्चन पूछेगा, किससे कितना वेटेज रहेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, उसे बताता हूँ। ये अपना जो है वो कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है ना, मतलब मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछेगा। और यहाँ पर जो हाईलाइटेड दिख रहा है रेड रेड कलर से, वो रेड कलर हाईलाइट करता है कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। ये ना हॉट टॉपिक्स कह सकते हो या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, ओके। एंड जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो नॉर्मल, ठीक है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। मतलब मेन मेजर टॉपिक जो है, अगर आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम, तो ये मेजर टॉपिक्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का बात करूँ, तो जो रेड वाला दिख रहा है वो थोड़ा सा हॉट टॉपिक्स है, मतलब इसको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। बाकी रहा करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स वगैरह जनरल अवेयरनेस में आ गया, जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और, ठीक है। तो मैं फिर स्टार्टिंग से मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं चलता हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में सबसे पहले मेन फोकस करना है कि नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि नंबर सिस्टम का वेटेज बहुत ज्यादा पूछता है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछेगा, ठीक है, और उतना भी टफ नहीं रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उठाओगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, बेसिक होना चाहिए क्लियर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये सारा जो टॉपिक्स है ये हॉट टॉपिक्स है। अगर ये आ जाता है आपको तो ये उतना आपको टफ नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इतना कर लिया तो आपका ये 30 क्वेश्चन है ना, तो 20 क्वेश्चन यहाँ से आपका डील हो जाएगा, बाकी 10 क्वेश्चन ये दिलाएगा, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये चीज पढ़ना पड़ेगा, एंड 10 क्वेश्चन बनाने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा। तो समझो कि मैथमेटिक्स आपको पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है, लेकिन आपको अगर मेजर सबसे ज्यादा ध्यान जो देना है वो सबसे ज्यादा इस 20 टॉपिक इस टॉपिक पर ध्यान देना, ठीक है ना। इस टॉपिक पर फुल्ली फोकस करना तो ज्यादा समझ में आएगा, जिसमें नंबर सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, परसेंटेज अपना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी इंपॉर्टेंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सर जो टाइम एंड वर्क थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सब जो टॉपिक्स है ना थोड़ा ज्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहलाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो वहाँ पे सारा ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी जाना, अपने वेबसाइट पे सर्च करना कि RRBJEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, वो मिल जाएगा वहाँ पे। आप वहाँ पे देखना क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, वैसे नहीं होगा तो मैं उसमें लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब चलो रीजनिंग पे चलते हैं, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। रीजनिंग में पजल वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, मान लो कोई एक तरह सर्कुलर टेबल पे बैठा हुआ, इधर उधर जिस तरह बैठा हुआ, पूछ देगा कि इसके बगल में कौन बैठा है, इसका डायरेक्शन किस तरीके किस तरफ है, ये इसके सामने कौन बैठा है, इस तरीके से पजल में पूछ देगा, ठीक है ना। सर्कुलर अरेंजमेंट में एक होता है सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रेट रहेगा, इस तरीके से रहेगा, बोल देगा कि एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा इस तरीके से बैठा है, तो बोल देगा इसके बगल में कौन है, इसके बगल में कौन है, लेफ्ट साइड से ये कितने नंबर पे है, राइट साइड से ये कितने नंबर पे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा सिटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है ना। ये सब क्लियर होना चाहिए, अर्थमेटिक रीजनिंग रहेगा तरह का, मान लो कि अर्थमेटिक रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, और डॉट नेक्स्ट वाला पूछेगा क्या, नेक्स्ट वाला क्या आएगा, इस तरीके का अर्थमेटिक रीजनिंग होता है। फिगर सीरीज रहेगा, फिगर दे रखा है उसको बोलेगा, मान लो कोई एक तरह का फिगर दे रखा है, जैसे सपोज कर ट्रायंगल हो गया, फिर एक सर्कल दे दिया, फिर एक ट्रायंगल दे दिया, फिर एक सर्कल दे दिया, फिर नेक्स्ट क्या आएगा ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप देखना है कि कौन सा रिपीटेड इमेज है, वो रिपीटेड इमेज वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसका वीडियोस बनाऊंगा, इस पर वीडियो मैं लाऊंगा, मैथमेटिक्स रीजनिंग का वीडियो मैं लाऊंगा, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर भी आपको फोकस क्या करना है, आपको ये सब जितना जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये रेड वाला आपको टॉपिक्स है, थोड़ा सा इसमें ब्लड रिलेशन जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ब्लड रिलेशन एंड फिर ये वेन डायग्राम जो है ना, ये सब थोड़ा सा मेन मेन टॉपिक्स है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, नंबर सीरीज पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना, ये सब मेन मेन टॉपिक है। और इनमें से कौन सा बुक पढ़ना है मैं बुक के बारे में बताऊंगा, आगे वीडियो देखते रहना, वीडियो कंटिन्यू करना, लास्ट में मैं सारा कुछ बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से क्या करना है, ठीक है ना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा RRBJEE का, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किस तरीके से तैयारी करना, CBT 1 से लेकर CBT 2 से लेकर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है ना। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगा इस वीडियो में। तो फिर देखो जनरल अवेयरनेस में, अगर आप देखो जनरल अवेयरनेस का वेटेज क्या है, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस का वेटेज जो है वो 15 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो इतना इस पर फोकस नहीं करना, ठीक है ना, इस पर इतना फोकस नहीं करना, क्योंकि आपका ये जो है ये 30 मार्क्स दिला रहा है, ये 30 मार्क्स दिला रहा है, ये आपको 25 मार्क्स दिला रहा है, एंड ये आपको दिला रहा है 30 मार्क्स, ये वाला, ठीक है ना, ये 30 मार्क्स दिला रहा है। तो बचे ये 15 मार्क्स ना, तो 15 मार्क्स जो कवर होगा, सबसे पहले तो 7 से 8 मार्क्स, 7 से 8 मार्क्स आपको करंट अफेयर्स आ जाएगा, ठीक है ना, करंट अफेयर्स आपको 7 से 8 मार्क्स आ जाएगा क्वेश्चन, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। करंट अफेयर्स किस तरीके से क्वेश्चन आता है तो मैं बता दूं, जैसे मान लो सपोज कर लो कि अभी कुछ ऐसा इवेंट में चल रहा है, जैसे सपोज अभी लोकसभा के बारे में कुछ चल रहा है, ठीक है ना, फिर लोकसभा या राज्यसभा के बारे में कुछ चल रहा है, तो वहां से क्या क्वेश्चन बनता है, वहां से पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बनता है।
तो मतलब क्वेश्चन तो पॉलिटिकल साइंस का होगा, लेकिन वो कहाँ से रिलेट करेगा, वो करंट अफेयर से रिलेट करेगा, ठीक है ना। खुद देगा राज्यसभा में कितना सीट होता है, लोकसभा में कितना सीट होता है, ठीक है ना, कितने कितने मेंबर होते हैं, कौन कहाँ के कितने मेंबर होंगे, ये सब क्वेश्चन पूछ देगा। तो है तो ये एक्चुअल में ये तो करंट अफेयर्स है, लेकिन कहाँ से उठाया इस उन्होंने, इन्होंने उठाया पॉलिटिकल साइंस उठाया। तो इस तरीके से जो करंट इवेंट हो रहा है ना, करंट इवेंट वाला क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है ना। जैसे ज्योग्राफी का बात करते हैं, मान लो ज्योग्राफी अभी बारिश हो रही है, सपोज अभी बारिश हो रही है, तो बारिश वहां क्यों हो रही है, ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लो होने के कारण हो रहा है, तो क्यों हो रहा है लो, ठीक है, वहां पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है, तो ये सब जो सारा क्वेश्चन ज्योग्राफी से हो जाएगा। तो जो अपने करंट में चल रहा है, जो करंट इवेंट हो रहा है, बस करंट अफेयर्स को पढ़ते चलना। और मान लो सपोज कर लो कि अगर सपोज कुछ ऐसा एक टॉपिक है, ऐसे मान लो कि अगर ताजमहल के बारे में भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है, ठीक है, मान लो कुछ ताजमहल के बारे में कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो ताजमहल से क्वेश्चन पूछ देगा, इसका हिस्ट्री पूछ देगा, किसने बनाया इसको, कितने वर्कर्स थे, कितने टाइम में बना, कहाँ पर बना है ये, ठीक है ना। तो ये सारा पूछ देगा, इसका लोकेशन क्या है, ये सब सारा पूछेगा। तो ये है तो एक्चुअल करंट अफेयर्स, लेकिन पूछ कहाँ से है, इसका हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं, करंट जो इवेंट होता है उस पर ध्यान देना। तो वहां से आपका टॉपिक हर हाल में 8 से 9 नंबर का आपका यहाँ से लड़ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल मान लो कि आप 90+ स्कोर तो कर लोगे अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, ठीक है ना। बुक्स एंड ऑथर्स पे अगर ध्यान दोगे तो करंट अफेयर्स में ये सारा कुछ आते रहता है। तो इससे आपका क्या क्या कवर होगा, तो करंट अफेयर्स जो आपको जो कवर होने वाला है, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ोगे, ठीक है ना, करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स से क्या क्या कवर होगा, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो वहां से आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा, ठीक है ना, हिस्ट्री कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी भी कवर होगा, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स भी कवर होगा, क्योंकि क्या क्या इकोनॉमिक्स में चल रहा है, ठीक है ना। अभी जैसे अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि 75 रुपये का एक क्वाइन लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, 28 मई को अपना एक संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, एक 25 रुपये का क्वाइन का मतलब इनोग्रेशन कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहो कि अपना वहाँ पे चालू कर रहे हैं 75 रुपये का। तो ये तरह का कहो कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो क्यों किया, क्या रीजन था, इसके पीछे का सिनेरियो पढ़ो क्या है। तो बस आप करंट अफेयर्स का टॉपिक देखो और वहां से उसका मतलब वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है उसके उसके पास चला जाना, वहां से उसका हिस्ट्री सारा पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इतना इस पर टेंशन देने की जरूरत तो नहीं। अब ये मुगल काल नहीं पढ़ना, मुगल काल पढ़ने लग जाना, दिल्ली सल्तनत पढ़ो, ये सब कुछ नहीं इतना पढ़ना, इसे हिस्ट्री पर उतना ध्यान दोगे तो फिर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। ज्योग्राफी भी उतना ध्यान नहीं देना, नॉर्मल जो बेसिक बेसिक चीज है वो पढ़ लेना, ठीक है ना। जिसमें इसमें जैसे इसमें मान लेना कांग्रेस के बारे में पढ़ लेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ लेना, INC के बारे में पढ़ लेना, ज्योग्राफी में मान लो कि सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, ये सब क्वेश्चन पूछता है सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, सोलर सिस्टम के बारे में पूछ देगा क्वेश्चन। फिर कौन सा अपना पास कौन सा मान लो कि नदी कहाँ से बहती है, कौन नदी कहाँ से बहती है, कौन सा रिवर कहाँ से निकलती है, वो क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, तो ये अब इतना क्वेश्चन नहीं पूछता, अब पूछता है जो करंट अफेयर्स में जो इवेंट में चल रहा है ना उससे रिलेट करके, जो आपके हिस्ट्री से मान लो कि करंट अफेयर्स में कोई ऐसा हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, कोई ऐसा ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है, इकोनॉमिक्स का चल रहा है या पॉलिटिक्स का चल रहा है, तो वहां से क्वेश्चन उसका हिस्ट्री उठा के पूछ देगा, उसका ज्योग्राफी पूछ देगा, उसका इकोनॉमिक्स पूछ देगा, उसका पॉलिटिकल साइंस पूछ देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ते रहते हो तो समझो कि आपका ये 15 नंबर में से आपका 10 नंबर कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, 5वां मानते कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 10 नंबर तो कहीं नहीं जा रहा है। तो इस पे आप अगर ध्यान दोगे तो ये बन कंप्लीट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना, ये तो जनरल अवेयरनेस अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब एक जनरल साइंस आता है, जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होता है, ठीक है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये अपना 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा ही होगा, 10th तक तो आप पढ़ के आए होगे ना। जैसे आप अगर आप RRB JEE देने जा रहे हो, मतलब आप चाहे तो डिप्लोमा हो चाहे तो आप BTech हो, ठीक है ना, मतलब आपने 10th करके आया। तो अगर 10th करके आया तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो उसका स्ट्रांग होता है, एंड बायोलॉजी भी सही लगभग होता है, ठीक है ना, लगभग बच्चों का बायोलॉजी सही होता है। तो बायोलॉजी का हल्का फुल्का पढ़ना, अब ये सब पढ़ना कौन सी बुक से, मैं बुक का लास्ट में रेफरेंस दूंगा, कौन सा कहाँ बुक से पढ़ना है मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा, क्या उसका बुक का नेम रहेगा, क्या रेफरेंस मैं बुक का दूंगा, यहाँ से आपको पूरा करना है सारा सब्जेक्ट, तो पूरा डिटेल्स मैं दूंगा। अभी मैं सिर्फ किस सिलेबस को समझा रहा हूँ, किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, कहाँ पर दिमाग लगाना है, कहाँ पर आपको लैग करना है, कहाँ पर आपको सावधानी बरत के आगे निकलना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है कहाँ पर ज्यादा टाइम देना है, ठीक है ना। ये अपना कंप्लीट हुआ CBT 1 का, किस तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो अप्रोक्स मान लो कि अगर मैं 90 का टारगेट रखूँ तो 90 को ऐसा दिक्कत नहीं है, 90 आराम से अचीव कर लोगे, ठीक है। 90 से 80 से लेकर 90 तक, 82 90 तक
आप अचीव कर लोगे CBT 1 में। तो अगर 80 से 90 आपका आ जाता है तो समझो कि सिलेक्शन आपका पक्का है, ठीक है ना। आपका इस CBT 1 में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अच्छा रैंक में आप लाओगे, अच्छा मतलब आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं CBT 2 के बारे में समझते हैं थोड़ा। CBT 2 का क्या होता है? तो CBT 2 जो अपना रहता है उसका पैटर्न समझो कि CBT 2 में किस तरीके से पूछता है, क्या पैटर्न है उसका CBT 2 का। तो पैटर्न समझो सबसे पहले, तो CBT 2 का ये पैटर्न है, क्या पूछता है सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में पूछेगा, कंप्यूटर, ठीक है ना। फिर इन्वायरमेंटल के बारे में पूछेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो आपने पिछले बार पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री वही सेम क्वेश्चन रहेगा। एंड जनरल अवेयरनेस जो आप पढ़ते चलोगे रेगुलरली उसी से पूछेगा। एंड फिर देन टेक्निकल एबिलिटी जो आप जिस फील्ड के होगे, मान लो आप इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को, कोई भी फील्ड को, या कंप्यूटर साइंस को, या IT के हो, तो उसका 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, इन्वायरमेंटल से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा, एंड जनरल अवेयरनेस से रहेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, ठीक है। एंड टेक्निकल से रहेगा 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। टोटल जो क्वेश्चन होता है वो 150 क्वेश्चन होता है, एंड 150 ऑफ मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा, और ड्यूरेशन आपका टोटल जो रहेगा वो 90 मिनट्स ही रहेगा, सॉरी, ठीक है, सॉरी 120 मिनट्स रहेगा। ये इसको कंप्लीट कर लेना, ये 120 होगा ड्यूरेशन जो होगा 120 रहेगा, ठीक है ना। इसका 150 मिनट्स मिलता है, तो 120 मिनट्स आपको रहेगा ड्यूरेशन, आपको टाइमिंग दिया जाएगा 120 एंड 150 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। तो आप समझ रहे हो मतलब कि एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से भी कम में करना है, ठीक है ना। 1 मिनट से भी कम में करना आपको कंप्लीट करना है, एक क्वेश्चन 1 मिनट से कम में कंप्लीट कर देना है। तो कंप्यूटर वगैरह का कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से आपको क्या पढ़ना है कंप्यूटर, मैं इसका सिलेबस का पहले फुल डिस्क्रिप्शन देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कहाँ से आपको पढ़ना है ये CBT 2 का कंप्लीट सिलेबस, ठीक है ना। तो फिर डिस्क्रिप्शन देखो क्या इसका डिस्क्रिप्शन है। तो ये है अपना CBT 2 का फुल डिस्क्रिप्शन, यहाँ से कंप्यूटर का ये फुल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। कंप्यूटर में जो ये रेड वाला दिख रहा है ना, ये हाईलाइटेड टॉपिक है, मतलब कि ये अपना हॉट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे आर्किटेक्चर से, आर्किटेक्चर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अब कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूछ देगा कि इनमें से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, दे देगा नाम, यूनिक्स दे देगा, लिनक्स दे देगा, MS ऑफिस दे देगा। अब पूछ देगा इनमें से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। इतना वो अंडर डीपली में नहीं पूछता, इसलिए इसको ऊपर ऊपर पढ़ना, उतना टेंशन लेके नहीं पढ़ना। तो क्योंकि होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को जो CBT जो कंप्यूटर होता है ना, थोड़ा सा वीक होता है, तो आप हल्का ऊपर ऊपर भी पढ़ लोगे तो उतना टेंशन नहीं है, आपको निकल जाएगा। क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन पूछ देगा कि कंप्यूटर वायरस कौन सा है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, जैसे ये डायरेक्ट टॉपिक्स उठाएगा, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस दे देगा कि इनपुट डिवाइस कौन सा हो गया, इनमें से बताओ, 4 गो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, या बोल देगा आउटपुट डिवाइस कौन सा है, 4 गो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन उठाएगा, पूछ देगा। तो इन्वायरमेंटल, अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ोगे, तो ज्योग्राफी पर उतना ध्यान मत दो, अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो लगभग इसको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। एसिड रेन वगैरह वहीं से आता है, केमिस्ट्री में से कुछ कुछ पूछ लिया जाएगा एसिड रेन वगैरह। तो इसमें मेनली फोकस करना है एनवायरमेंटल पे, एसिड रेन पे फोकस करना है, एयर वाटर एंड नॉइस पोल्यूशन पे करना है, वेस्ट मैनेजमेंट पे थोड़ा सा देना, एंड ओजोन डिप्लेशन तो और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओजोन डिप्लेशन तो और इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग जो आपके मतलब इन्वायरमेंट में हो रहा है, ये सब जो सारा चीज है ना, ये सब इन्वायरमेंट में हो रहा है, और हो सके तो अच्छे से पढ़ना। अगर इसको करंट से रिलेट करना है ना, करंट अफेयर से इसको रिलेट करोगे तो और अच्छे से इसको पढ़ना, ठीक है ना। क्योंकि ये 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, सॉरी 10 मार्क्स का ये, ठीक है ना। 10 मार्क्स एक मेजर टॉपिक होता है, तो इसको छोड़ना नहीं, 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स के लिए इसको अच्छे से पढ़ना। मेन मेन टॉपिक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, एसिड रेन अच्छे से पढ़ना, एसिड एयर एंड वाटर एंड नॉइस पोल्यूशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसिड रेन तो ठीक इंपॉर्टेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ओजोन डिप्लेशन हो गया, इस सब पे पूरा फोकस करना, किस तरीके से तैयारी करना। अब इसका क्या रिफरेंस है बुक का, मैं रिफरेंस बताता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लूँ, कहाँ पे क्या आपको लैग करना है, कहाँ पे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस का, तो वही सेम जनरल अवेयरनेस का जैसे तैयारी मैंने पिछले बताया CBT 1 का तैयारी बताया, तो अगर आप CBT 1 का तैयारी अच्छा से करते हो, मतलब करंट अफेयर्स पे पूरा फोकस करते हो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हो तो ये छूटने वाला नहीं है, 15 में से आपको 10 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हो, बजट वगैरह अगर पेश होता है तो बजट वगैरह पे देख लेना, बजट पे देख लेना, पॉलिटिकल साइंस वगैरह आप यहीं से हो जाएगा, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट के स्कीम जो आता है ना, गवर्नमेंट के स्कीम इस पर फोकस करना थोड़ा सा, गवर्नमेंट स्कीम जो आता है, और बाकी नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स जो आता है, न्यूज होता है, वो सारा ये सारा जितना टॉपिक है ना, ये सब सारा करंट करंट से रिलेट करता है, ठीक है ना। तो अगर आप करंट अच्छा से पढ़ते हो, डेली आप टाइम निकालो करंट पढ़ने के लिए, आप अगर पढ़ लेते हो तो बेटर है, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल साइंस का, तो जनरल साइंस में
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ना है। तो उसमें आपको बायोलॉजी पढ़ना था सीबीटी वन में, बट सीबीटी टू में बायोलॉजी नहीं पढ़ना है। तो मेन आपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री आपने सीबीटी वन के लिए तैयारी किया था ना, तो बस वही सेम काम यहाँ पे कर जाएगा, हल्का सा एडवांस करेगा, ठीक है ना। बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा पूछेगा, ठीक है ना। जैसे केमिस्ट्री से मोलरिटी, मोलरिटी पूछ देगा, ये सब क्वेश्चन पूछ देगा, मोल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोल देगा, फिजिक्स से स्पीड वगैरह निकालने के लिए बोल देगा, फोर्स निकालने के लिए बोल देगा, वर्क निकालने के लिए बोल देगा, एनर्जी निकालने के लिए बोल देगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह से क्वेश्चन पूछ देगा फिजिक्स से। तो ये सब सारा जो है, अगर आप सीबीटी वन अच्छे से पढ़ोगे तो सीबीटी टू आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि सीबीटी वन में आपको ये फिजिक्स केमिस्ट्री जो है एंटोलॉजी 30 मार्क्स का था, 30 मार्क्स क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप 10-10 नंबर पे डिवाइड करते हो तो फिजिक्स के लिए 10 नंबर हो गया, केमिस्ट्री के लिए 10 नंबर एंड बायोलॉजी के लिए 10 नंबर था। तो मेजर टॉपिक था ये वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो पूछ रहा है वो 15 मार्क्स का पूछ रहा है, ठीक है ना, ये 15 मार्क्स का यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये भी मेजर टॉपिक है, तो जनरल साइंस में ध्यान देना। अब बात करते हैं टेक्निकल एबिलिटी। तो टेक्निकल एबिलिटीज जो है ये स्पेशली जो है वो इसी के लिए मैं बनाया हूँ वीडियो, ठीक है ना। टेक्निकल एबिलिटी जो है इसी वालों के लिए मैंने बनाया, क्योंकि ये जो चैनल है वो इसी के लिए है, लेकिन मैं फिर भी तैयारी कराऊंगा आरआरबी जेई सीबीटी वन का, मैं फुल तैयारी करवाऊंगा, सारा वीडियोज मैं डालूंगा, ठीक है ना। तो जो इसी के टेक्निकल एबिलिटीज रहेगा, वो सबसे पहला चैप्टर जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, ठीक है ना, ईसीएम रहेगा। इस पर पूरा फुल्ली फोकस करना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट यहाँ से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, ठीक है ना। जो मेजर मेजर टॉपिक होता है, फिर एक होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम, ये चार टॉपिक जो है ना, इस चार टॉपिक से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, और सबसे ज्यादा इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो ईसीएम एंड ईडीसी होता है, ठीक है ना। ईसीएम एंड ईडीसी ये दोनों टॉपिक जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, ये दो टॉपिक जो है बहुत हॉट टॉपिक होता है। बाकी तो सारा ठीक है, इस सब को भी ध्यान देना है, लेकिन ज्यादा ध्यान इन दोनों पे देना, ठीक है ना। तो ये अपना कंप्लीट हुआ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया मैंने आरआरबी जेई का किस तरीके से तैयारी करें। अब मैं बताऊंगा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है सीबीटी वन एंड सीबीटी टू का तैयारी का हो गया। अब मुझे जो बताना है कि किस तरीके से हम लोग तैयारी करें, कि हमको अब इनमें से कौन सा बुक का रिफरेंस लेना है, ठीक है ना, वो मुझे पता करना है कि कौन सा बुक का रिफरेंस लूँ। तो रिफरेंस के लिए आप कुछ नहीं समझो, जो मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो बुक से कोई मैटर नहीं करता है कि आप बुक कौन सा पढ़ रहे हो, क्या करो, लेकिन आपको बस फोकस होना चाहिए कि आप कितना सीख रहे हो उससे, ठीक है ना, वो मेन फोकस होता है। तो अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो तो पढ़ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बुक ऐसा कोई मैटर नहीं करता। बुक आप यूज करो सेट मारने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपका सिर्फ काम है कि एक सिलेबस को कंप्लीट करो। जैसे मान लो सपोज फिजिक्स है, ठीक है ना, फिजिक्स है, तो सिलेबस फिजिक्स का कंप्लीट कर लो पूरा, ठीक है ना। अब उसमें आपको महारत हासिल नहीं करना है कि हाँ मुझे हर हाल में पीएचडी करना है फिजिक्स में, तो उतना को नहीं है, आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो फिजिक्स को, ठीक है ना, क्या होता है बेसिक फॉर्मूला फिजिक्स के बारे में क्या होता है, हल्का फुल्का पढ़ लो। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो उसको इतना टेंशन लेके नहीं करना है, फिर डायरेक्टली इसका आप सेट मारो, ठीक है ना, इसका सेट मारो, एमसीक्यू मारो, इसका कहीं से भी ढूंढ के टेस्ट बुक जो अपना देता है, टेस्ट बुक देता है, टेस्ट बुक का परचेज कर लो, वहां से टेस्ट बुक का सेट मारो, ठीक है ना, प्रैक्टिस करो, फिजिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन देता है वहां पर, तो प्रैक्टिस करना, तो वहां से आपका फिजिक्स मजबूत हो जाएगा। सेम उसी तरीके से केमिस्ट्री करना, बायोलॉजी करना, ठीक है ना। तो आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करो फिर उसका टेस्ट मार दो, ठीक है, इस तरीके से आपको सारा कंप्लीट करना। और जो टेस्ट बुक ने तो क्या किया, इतना अच्छा उन्होंने एक प्रोवाइड सिस्टम प्रोवाइड किया कि चैप्टर वाइज उन्होंने क्वेश्चन दे रखा, चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन दे रखा उन्होंने, ठीक है ना, टेस्ट बुक ने। तो आप वहां से चैप्टर वाइज क्वेश्चन मारना, मान लो सपोज आज आपने हीट पढ़ा, हीट पढ़ा, सपोज आपने हीट चैप्टर पढ़ा, तो हीट चैप्टर का क्वेश्चन मार दो वहां से। मान लो आपने पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा, तो वहां से यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन मार दो, ठीक है ना, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो मैं बात करता हूँ कि बुक का सिलेक्शन किस तरीके से करें, कौन सा बुक किसके लिए अच्छा होगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ मैथ्स के लिए, ठीक है। तो मैथ्स के लिए अपना कौन सा बुक होगा, तो मैथ्स के लिए मैं जो पढ़ता हूँ, मैं आर एस अग्रवाल को अच्छा मानता हूँ, ठीक है ना, आर एस अग्रवाल अग्रवाल को मैं अच्छा मानता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट बुक है। इसमें सारा मतलब हर एक टॉपिक को दिया गया, मतलब कितना कितना कंडीशन होता है, कोई एक टॉपिक से ढेर सारा पोर्शन निकाल के दिया, मतलब ढेर सारा अलग अलग मेथड से यूज करके बनाया कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है, तो अलग अलग क्वेश्चन दिया, फ्रेमिंग करके दिया है। तो आर एस अग्रवाल मैथ्स के लिए हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी पसंद है तो आपकी पसंद होगी, तो आप देख लेना एक बार, अच्छा लगे तो इसको पढ़ना, लेकिन हमारे हिसाब से मैथ्स आर एस अग्रवाल इज बेस्ट, ठीक है ना, बेस्ट बुक है मैथ्स मैथ्स के लिए। फिर रीजनिंग का मैं बात करूँ, रीजनिंग के लिए अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग के लिए भी आर एस अग्रवाल ही सही है, ठीक है ना, आर एस अग्रवाल, क्योंकि मैं उसी से पढ़ता हूँ अग्रवाल, ठीक है ना। तो आर एस अग्रवाल जो एस चांद पब्लिकेशन का आता है, एस चांद पब्लिकेशन का आता है, तो ये भी बेस्ट है, ठीक है ना। इसमें आप टॉपिक एकदम सेमली डिटो टॉपिक मिल जाएगा वहाँ पे, जो मैथ्स का टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो सेम टॉपिक वहाँ से मिलेगा, एंड रीजनिंग का भी सेम टॉपिक्स जो मैंने लिखा है ना, भी टॉपिक्स ये टॉपिक जितना मैंने लिखाया
ये जो टॉपिक मैंने लिखा है मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, वो सारा टॉपिक्स आपको आरएस अग्रवाल से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली वहां पे जाना, वो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। ओके, तो मैथ्स रीजनिंग आपको यहाँ से कम्प्लीट हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुक से पढ़ो, ठीक है ना, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बुक से पढ़ो और वीडियो से पढ़ो, आपको जहां से बेटर लगे वहां से पढ़ो। आप अगर वीडियो भी देख लेते हो ना यूट्यूब पे, तो बहुत सारा प्लेलिस्ट डाला हुआ है मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, बहुत प्लेलिस्ट डाला हुआ है, पढ़ो तो एटलीस्ट कम से कम एक आप। लेकिन एक ये ध्यान रखना कि किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज करना, वो एक प्लेटफॉर्म पर ही रहना, इधर उधर भटकोगे तो ध्यान भटकेगा, क्योंकि लोगों का पढ़ाने का मेथड अलग अलग होता है। मान लो सपोज मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो मैं अलग मेथड से पढ़ाऊंगा, फिर आप दूसरे बंदे के पास चले गए। मान लो पहला टॉपिक, मान लो आप सपोज आपने एक रेशियो पढ़ा, ठीक है ना, रेशियो हमसे पढ़ लिया, वहां जाके परसेंटेज पढ़ लिया, तो होगा क्या कि मैंने रेशियो जिस मेथड से बताया और परसेंटेज वो अलग मेथड से बता दिया, तो एक तरह का चेन नहीं मिल पाएगा। मैं जो बताऊंगा मैं एक चेन से, मैं सबको कनेक्ट करते हुए बताऊंगा, लेकिन हो सकता है मैंने जो बताया वो इस तरीके से ये नहीं बताया, फिर ये जो बताया मैं उस तरीके से नहीं बताया, तो चेन जो वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। तो किसी एक फैकल्टी से ही पढ़ो, किसी एक टीचर से ही पढ़ो, ताकि वो सारा चेन बनते हुए आपके अंदर में दिमाग में बैठे, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स का आप चाहो तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट, बहुत सारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है दोस्त, वहां से पढ़ लेना यूट्यूब से। मैथमेटिक्स रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट वहां पे बहुत सारा पड़ा हुआ है। और कुछ नहीं करना, एक टॉपिक पढ़ना है, उसका सेट मारना है, टेक्स्ट बुक पे जाकर, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक पे चैप्टर वाइज सारा मिलता है आपको वहाँ पर, प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ पर सारा मिल जाएगा। ये हो गया मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं जीए एंड देन जीएस के लिए, ठीक है ना। तो जीए के लिए खास कोई ऐसा बुक नहीं है, लेकिन आप अगर आप जीए के लिए आप अगर आप ले लो, तो आप लूसेंट एक बुक आता है, ठीक है ना, तो लूसेंट ले सकते हो, ठीक है ना। जीए के लिए लूसेंट ले सकते हो, लूसेंट ले लो, या फिर लूसेंट से तो बेहतर मैं कहूँ कि आप सीधे सीधे कुछ बुक वगैरह नहीं लो जीए के लिए, आप सिर्फ करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, ठीक है ना। अगर करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, मान लो कैसा टॉपिक है, मान लो सपोज अभी कोई टॉपिक चल रहा है कि मान लो कि अभी कश्मीर के बारे में कोई एक टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना, कश्मीर के बारे में टॉपिक चल रहा है, तो कुछ नहीं करना, कश्मीर आपने एक कॉपी, मान लो आपने एक कॉपी लिया, कॉपी पे लिखो कश्मीर, और उसके बारे में पूरा हिस्ट्री नेट से खंगाल के अपने से लिख दो, ठीक है ना, अपने से पूरा लिख दो नेट से खंगाल के हिस्ट्री, कौन यहाँ का प्रेसिडेंट है, कौन यहाँ का गवर्नर है, कौन यहाँ का मुख्यमंत्री है, ठीक है ना, यहाँ कितना सीट है, राज्यसभा का कितना सीट है, लोकसभा का कितना सीट है, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितना है, तो ये सारा कुछ वहाँ पर लिख दो, ठीक है ना। इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है इसका, ठीक है, सारा कुछ, यहाँ कौन कौन सा लेक पाया जाता है, कौन कौन सा लेक हो गया, जो भी दर्रा होता है, कौन से कितने से दर्रा यहाँ पे पाया जाता है, तो सारा कुछ इसमें लिख दो, एक कॉपी पे लिख के, तो वहाँ सारा से करंट अफेयर से ही सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो लूसेंट बुक ले लेना तो बेटर होगा, ना भी लोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैं बात करते हैं जीए के बाद, अब बात आता है जीएस। जीएस के लिए मैं अगर बेस्ट बुक जानता हूँ तो एक अरिहंत का आता है, अरिहंत, अरिहंत पब्लिकेशन का एक आता है इंक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है ना। तो इंसाइक्लोपीडिया आता है अरिहंत का, आप अगर इंग्लिश में अच्छा हो तो इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी में है तो हिंदी में लेना, आप पे डिपेंड करता है। ये पढ़ोगे, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इतने अच्छे से बताया गया ना, इतना अच्छा से कम्प्लीट भी किया गया, मतलब शॉर्ट में अच्छा से बताया गया, अगर आप वो पढ़ लेते हो अरिहंत, तो आपका पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां से आप अपना जीएस पोर्शन कम्प्लीट कर लो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपका फिर आता है नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपके पास ये हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी वगैरह जो भी अपना पोर्शन था, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी जो अपना पोर्शन था, तो हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स कह लो, जो भी अपना पॉलिटिकल साइंस कह लो, ये सब सारा तो है वो अपना लूसेंट से हो जाएगा, ठीक है ना, लूसेंट से हो जाएगा पोर्शन पूरा हो जाएगा ये सब। फिर कंप्यूटर का बात करते हैं, कंप्यूटर का बेसिक जो नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये CBT 2 में कंप्यूटर पूछता है, तो ये भी जो है लूसेंट में लास्ट में दिया रहता है, लास्ट में लगभग 10-12 पेज का रहता है तो इतना में आपका कंप्यूटर अगर वहां से पढ़ ले रहे हो तो आपका कंप्यूटर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इन्वायरमेंट भी वहां से दिया रहता है, तो इन्वायरमेंट भी वहां पे दिया रहता है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो इन्वायरमेंट। अब मैं बताता हूँ कि अब इसका टिप्स मैं बता रहा हूँ कि आप क्या इतना करोगे, मतलब आप इतना सारा बुक लोगे फिर पढ़ोगे, तो फिर आपके पास खर्चा बहुत ज्यादा गिर जाएगा ना। आप मैथ्स का बुक लोगे, फिर रीजनिंग का बुक, मैथ्स का मान लो सपोज आरएस अग्रवाल का बुक लिया तो यही पड़ जाएगा आपको 400 का पड़ जाएगा, फिर इस रीजनिंग का बुक लोगे तो लगभग 300-400 के बीच में ये भी पड़ेगा, तो अगर आप इतना खर्चा करोगे तो लगभग 2,000 का आपको खर्चा गिर जाएगा सिर्फ बुक खरीदने में। और क्या पता बुक लेके पढ़ो नहीं, को गारंटी थोड़ी है, जब आप अभी नहीं पढ़ो तो गारंटी कैसे है कि आप बुक लेके पढ़ लोगे। तो आपका मेन फोकस होना, सबसे पहले आप यूट्यूब पे सर्च करो, जाओ यूट्यूब पे, यूट्यूब पे सर्च करो मैथ्स प्लेलिस्ट, ठीक है ना, फॉर जनरल कॉम्पिटिशन, या फिर जनरल कॉम्पिटिशन मैथ्स प्लेलिस्ट, मैथ्स प्लेलिस्ट ढेर सारा आ जाएगा। आप पहले सबको वीडियोस को देखो, ठीक है ना, सब वीडियोस को देखो, जिसका वीडियो आपको अच्छा लगे उस वीडियो पर जाना, उसका प्लेलिस्ट होगा, उसका प्लेलिस्ट आप पूरा देख लो, तो मैथ्स आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक टॉपिक को कंप्लीट करना, कंप्लीट करने के बाद आप जाके टेक्स्ट बुक पे जाना, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, तो वहां से वो टॉपिक आपका फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, तो मैथ इस तरीके से कंप्लीट करो, आपको कोई बुक का जरूरत नहीं पड़ा, आप बुक ले भी सकते हो, आपकी चॉइस है, आप ऐसा नहीं, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, आप बुक ले लो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या है उतना खर्चा करना अगर आप पढ़ ले रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर आप बना लेते हो टेक्स्ट बुक वाले तो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में इतना सारा क्वेश्चन दे रखा है ना इन्होंने कि टेक्स्ट बुक आप बनाते बनाते थक जाओगे, बन नहीं पाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है। रीजनिंग का बात करूँ तो रीजनिंग भी उस तरीके से कर लेना, बुक ले लेना, बैकअप में एक बुक रखना, लेकिन इतना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मेन जो आपके पास है कि किस तरीके से, मैं बताया कि किन्हीं को होता है कि सर किस बुक से पढ़ूँ क्या करूँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आप सीधा सीधे YouTube पे सर्च करो, और ये सारा कुछ है ना ये सेल्फ स्टडी से हो सकता है। ठीक है ना, आप चाहे तो जॉब करो चाहे वो कॉलेज करो, सारा कुछ हो सकता है सेल्फ स्टडी से। ठीक है, तो इस सेल्फ इस सारा मैं स्टडी जो बताऊँ, मैं सेल्फ स्टडी से बता रहा हूँ किस तरीके से करना है सेल्फ स्टडी में, तो कुछ नहीं, आप एक टाइम डिसाइड करो, मान लो सपोज आप जॉब वाले बंदे हो, ठीक है ना, आप अगर जॉब कर रहे हो या फिर आप अगर कॉलेज कर रहे हो, ठीक है ना, जॉब या कॉलेज कर रहे हो, तो इन दोनों का जो टाइमिंग होता है वो अप्रोक्स 9 AM to 5 PM, ठीक है ना, इतना ही ना ड्यूरेशन होता है, इतना ही तक आप जॉब करोगे ना या फिर कॉलेज करोगे, इससे ज्यादा तो जॉब नहीं करोगे ना कॉलेज करोगे, इससे पहले का आपके पास बचता है, मान लो सपोज आप मॉर्निंग में उठते हो, सपोज 6 बजे आप उठते हो, ठीक है, मॉर्निंग में अगर 6 बजे उठते हो तो आपके पास 3 आवर्स रहता है। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप तैयारी करो सेल्फ स्टडी कॉलेज एंड जॉब के साथ साथ, ठीक है ना, तो आपके पास 3 घंटा यहाँ बच रहा है, फिर 5 से लेकर आप कुछ ना तो 12 बजे तक तो पढ़ोगे ना, 12 बजे तक तो पढ़ोगे, 5 से लेकर 12 आपके पास 7 आवर्स बचता है। ठीक है ना, अब आप बोलोगे सर मैं बाहर रहता हूँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो मेरे खाना बनाना रहता है, तो चलो ठीक है खाना बना के, आपके पास कितना टाइम बच रहा है, आपके पास टोटल जो टाइम बच रहा है वो 10 आवर्स बच रहा है, बच रहा है 10 आवर्स, तो 10 आवर्स में कुछ नहीं तो कम से कम तो 7 आवर्स तो आप यूटिलाइज कर सकते हो ना, 7 आवर्स तो निकाल सकते हो ना, 3 घंटा चलो आपने खाना बनाया खाया पिया घूमा फिरा जो भी किया आपने, तो 7 घंटा आपके पास बचा, 7 घंटा को यूटिलाइज करो सुबह में स्टार्टिंग का, तो सुबह का टाइमिंग तो कहीं वेस्ट नहीं करना, यानी कि रात का टाइमिंग दो टाइम तो देना ही देना, एक टाइम देना आप नॉन टेक को एंड एक टाइम देना आप टेक्निकल को। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं करना कि आपको एक ही टाइम में पूरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना, आज पढ़ रहे मन मान लो सपोज मंडे है तो मंडे को मैथ पढ़ेंगे, ट्यूजडे को रीजनिंग पढ़ेंगे, वेडनेसडे को जनरल साइंस पढ़ेंगे, इस तरीके से नहीं पढ़ना, ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, ऐसे करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ये तो आप मतलब क्लास 1 2 थोड़ी पढ़ रहे हो, आपकी क्लास 1 2 एक तरह का रूटीन बना रहे हो, क्लास 1 2 की तरह इस तरीके से रूटीन नहीं बनाना, रूटीन एक अलग मेथड से बनाना है ना, आप टेक्निकल बंदा हो ना, टेक्निकल बंदा जो है अलग मेथड से बनाता है रूटीन, उसको क्या करना है कि मान लो सपोज करो वीक में कितना दिन होता है, वीक में 7 डेज होता है ना, तो वीक में 7 डेज होता है ना, तो आप ना उसको 6 डेज मानो, ठीक है 6 डेज मानो, 6 डेज को इस तरीके को डिवाइड करो, इसको एक TTS करो एंड एक MWF करो, ठीक है ना, MWF करो, TTS में क्या करोगे एंड MWF में क्या करोगे वो आप डिसाइड करो, ठीक है ना, इस तरीके से बांटा जाता है। अब बाकी बचा एक संडे, संडे बचा, ठीक है ना, जो 7वां दिन 7th ऑफ डे जो रहे वो 7वां है, तो 7th ऑफ डे संडे के दिन आप क्या करो कि जितना भी आपने पढ़ा ना उसका आप टेस्ट मारो, एक प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, उसका प्रैक्टिस टेस्ट मारो, कहाँ से वो टेक्स्ट बुक से मारोगा, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक से उसका प्रैक्टिस सेट मारो, ओके ना, तो ये कैसे करना है, मान लो सपोज आपने फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना, केमिस्ट्री का भी इसमें एक चैप्टर कंप्लीट हो गया इस वीक में, और उस तरीके से मान लो कि टेक्निकल पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, तो जितना आपने कंप्लीट किया ना उस कंप्लीट पोर्शन को जाओ संडे के दिन, और संडे के दिन जब संडे आए तो संडे के दिन में आप जाना टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे जाना, वहां से अपना जो ब्रांच है फिर जो आपको चूज करना हो चूज करना, वहां से आप प्रैक्टिस कर देना, ठीक है ना, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा जो टॉपिक्स आपने पढ़ा वहां से उसका क्वेश्चन मार लो, इस तरीके से आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा। फिर करना क्या, अगर ये पूरा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाता है आने वाले डेट में, मान लो सबको 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर में आपने ये पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, नॉन टेक्निकल का, टेक्निकल का पोर्शन तो मानते हैं कुछ टाइम लेगा, टाइम टेकन होता है टेक्निकल पोर्शन, लेकिन नॉन टेक पोर्शन को सबसे पहले कंप्लीट करना, ठीक है ना, क्योंकि नॉन टेक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आपको फिर प्रैक्टिस सेट मारना है, ठीक है ना, एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट आपको डेली मारना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, जो लगभग 90 क्वेश्चन कराएगा एंड फिर 90 क्वेश्चन का सॉरी 100 क्वेश्चन कराएगा एंड 90 मिनट्स कराएगा, 1.5 घंटे का लगभग सेट रहता है, तो वो भी सेट भी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप ये जो अचीवमेंट है ये आपको एक दिन में मिल जाएगा या ये रिजल्ट जो आपको एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा, सबसे पहले जब आप टेस्ट मारोगे तो हो सकता है कि 90 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में भी आप 50 क्वेश्चन ही बना पाओ, एक हो सकता है 30 क्वेश्चन ही बना पाओ, तो धीमा धीमा इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा नहीं सोचो कि आप सोचो कि 30 है तो कल मारूंगा तो 40 सही हो जाएगा, फिर तो परसों मारूंगा तो 50 सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्त, हो सकता टाइम लगता है, आप तो 50 60 तक तो आप पहुंच जाओगे, 60 मार्क्स तक आप आराम से पहुंच जाओगे, लेकिन 60 के बाद जो बढ़ेगा ना वो 61 होगा 61.5 होगा, मतलब धीमा धीमा स्कोरिंग करता है, क्योंकि 60 क्वेश्चन तक
सब लोग अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन 60 के बाद जो क्वेश्चन आता है ना, 60% के बाद जो क्वेश्चन होगा ना, वो थोड़ा क्वेश्चन जो मॉडरेट होता है, ठीक है ना, मॉडरेट टू हाई होता है, हाई लेवल का क्वेश्चन होता है थोड़ा सा, तो आप उसको प्रैक्टिस ही आएगा। बहुत सारा जिस चैप्टर आपने पढ़ लिया, फिजिक्स आपने कम्प्लीट कर दिया, केमिस्ट्री आपने कम्प्लीट कर दिया, बायोलॉजी आपने कम्प्लीट कर दिया, ठीक है ना, ये सारा आपने कम्प्लीट कर दिया, फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, आपको लग रहा है सर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो क्वेश्चन होता क्या है ना कि आपने जो सिलेबस पढ़ा, मान लो आपने सिलेबस फिजिक्स का कंप्लीट कर दिया, केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया, एंड बायोलॉजी भी कंप्लीट कर दिया, सारा कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये जो आपने कंप्लीट किया ना दोस्त, ये कंप्लीट करने से आपको 50% ही सिलेबस कंप्लीट आपका क्वेश्चन बनेगा, 50% जो क्वेश्चन होता है ना आपको सिलेबस कंप्लीट करने से बनेगा, और 50% बाकी जो क्वेश्चन होता है ना वो आपको प्रैक्टिस से बनता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वो क्वेश्चन आपको दिमाग में आएगा, वो बनते चलेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ लोगे सिलेबस तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट करने से नहीं होता है, आपको पूरा सिलेबस को है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सिलेबस पढ़ोगे तो क्या होगा कि 50% क्वेश्चन बन जाएगा, आप फिर उसको जब प्रैक्टिस करोगे, आप प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि वो आपका 50% जो रेस्ट बचा है वो 50% वहां से कंप्लीट हो जाएगा, 50 नहीं तो फिर एटलीस्ट 40% तो कंप्लीट होगा ना, 10% मान लेते थोड़ा सा हार्ड होता है क्वेश्चन, तो 40% तो कंप्लीट हो जाएगा ना, तब भी तो आप 90% में आ रहे हो ना। तो आपको इस तरीके से तैयारी करना है, जॉब के साथ कैसे करें तैयारी, एंड जॉब या कॉलेज का किस तरीके से करें, तो मैंने बताया किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करना है। कॉलेज टाइम को आपको तो पता है 9 से लेकर 5 तक ही होता है, चाहे तो ऑफिस ड्यूटी बोलो या फिर कॉलेज टाइम बोलो, 9 से 5 होता है। तो जैसे मैं अपना प्रीफर करता हूँ कि मैं रात में पढ़ूँ, ठीक है ना, मेरा मेरा जो मानना, मैं सोचता हूँ कि दिन के बनिस्बत मैं रात में थोड़ा ज़्यादा अपना आपको मतलब गेन कर पाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मान लो सपोज मैं 5 बजे ऑफिस से आया, ठीक है ना, मैं 5 बजे ऑफिस से आया, शाम में 5 बजे आया, तो खाना पीना खाओ कर आराम करता हूँ, उसके बाद 7 बजे पढ़ने के लिए बैठता हूँ, ठीक है ना, 7 बजे पढ़ने के लिए बैठता हूँ, 7 से लेकर 11-12 बजे तक मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना, तो लगभग 4 घंटे का मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद 11-1.5 घंटे का फिर मैंने रेस्ट किया, और फिर 12 बजे से मैं जो पढ़ने के लिए बैठता हूँ उसको मैं 2 से लेकर 2 या 3 बजे तक मैं इसको पढ़ाई करता हूँ। तो ये जो इफेक्टिव जो होता है ना, ये 3 घंटे का जो इफेक्टिव है ना, ये इफेक्टिव मैं बिल्कुल शांत में पढ़ता हूँ, मतलब ये जो अपना पास जो रिजल्ट आएगा ना, वो 3 घंटा जो होगा ना, ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है, ठीक है ना। तो आप जिसपे मतलब कंफर्टेबल हो, मैं ऐसा नहीं करूँ कि आप रात में ही पढ़ो, आप दिन में पढ़ो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं दिन में नहीं पढ़ पाता हूँ, होता क्या है ना कि मैं अगर 11 बजे भी सोऊँ, ठीक है ना, या फिर मान लो मैं अगर 3 बजे भी सोऊं, मैं उठूंगा इन दोनों पोर्शन में, मैं उठूंगा 8 ही बजे उठ पाता हूँ, मैं 8 बजे उठूंगा या 9 बजे उठूंगा, होता यही होता है, ठीक है, मैं जितना पहले सो जाऊंगा, जितना लेट मैं सोऊं, 8-9 बजे से पहले मैं हमारी आँख खुलती ही नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि सुबह तो होगा नहीं, सुबह तो उठ नहीं पाऊंगा, उस पोर्शन को मैं रात में ही उसको यूटिलाइज कर लूँ, तो रात में उस पोर्शन को मैं यूटिलाइज कर लूँगा। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। तो आप अपना देखो हैबिट, कि आपका हैबिट क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को गेन कर सकते हो, तो अगर आप अपने आप को समझ गए ना तो आप कर लोगे। अब मान लो सपोज आपने फर्स्ट डे स्टार्ट किया, फर्स्ट डे आपने रात में पढ़ के देखा, बॉडी जो मतलब बॉडी जो आपका मतलब वर्क नहीं कर रहा सही से, एक बार फिर सुबह में पढ़ के देख लो, अगर बॉडी वर्क कर ले रहा तो सही है, आप पे डिपेंड करता है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो स्ट्रेटेजी बनाता हूँ वो आप भी फॉलो करो, आपका स्ट्रेटेजी अपना होना चाहिए, हमारा स्ट्रेटेजी नहीं होना चाहिए, बस मैं एक रास्ता बताऊंगा किस तरीके से चलना है, किस तरीके से करना है, तो अगर वो रास्ता बताऊं और आप उस पर चलो तो वो बेटर है, ठीक है ना। तो अब ये सक्सेस तो मिल जाएगी, ये आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा ये क्वेश्चन का पोर्शन दे रखा है इन्होंने, ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, अगर CBT 1 का पोर्शन देखो आप, CBT 1 में क्या पूछ रखा है इन्होंने, मैथमेटिक्स 30 नंबर का पूछ रखा है, आराम से बन जाएगा, 30 में से कम 25 तो कोई बंदा बना के आ जाएगा, रीजनिंग में से 25 सब बंदा बना के आएगा, GS जो पोर्शन है GS में से 30 में से 25 तो कोई नहीं छोड़ने वाला है, तो इस तरीके से आराम से बन जाएगा, 80 से 90 नंबर तो आराम से ही आ जाएगा, ठीक है ना। इतना टफ भी नहीं एग्जाम है ये एग्जाम डिपेंड करता है कि आपका बेस कैसा है, तो सबसे पहले ऐसा नहीं करना कि आप क्वेश्चन को एडवांस पढ़ना, आप बेसिक ही पढ़ना, ठीक है ना, अलजेब्रा से बेसिक पढ़ना, जो भी आपका बेसिक क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ आपको बेसिक क्वेश्चन पूछ देगा, 2 नंबर दे देगा, बोल देगा इन दोनों के एलसीएफ एचसीएफ बताओ, एलसीएम बताओ, तो आप ये अगर नहीं निकाल पाओगे तो आप कैसे एडवांस क्वेश्चन बना पाओगे। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है और उसमें आपको उलझा देता है, तो उलझना नहीं है, उसको बनाना है, और फिर कोई भी डाउट अगर रहे तो मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, और अगर कोई डाउट रहता है इस वीडियो में या फिर कोई RRBJS से रिलेटेड तो आप कमेंट करना हमें, है ना, या फिर और कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे सारे सब कुछ वहाँ पे डाला हुआ मैं, ठीक है ना, जो भी रिलेटेड रहेगा। और एक बात और मैंने नहीं बताया कि टेक्निकल का पोर्शन का तैयारी किस तरीके से करें, टेक्निकल पोर्शन का, तो टेक्निकल पोर्शन का तैयारी करने के लिए ACA ब्रांच के लिए, ठीक है ना, ACA के लिए मैं स्पेशली मैं इसी के लिए बता रहा हूँ, टेक्निकल पोर्शन किस तरीके से तैयारी करें, तो टेक्निकल के लिए जो मेन पोर्शन होता है, तो देखो मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है, ठीक है ना, मैं किसी का मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं किसी का पब्लिकेशन का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन मैं जो ट्रोली में अपना एक तरह का रिव्यू भी दूं तो मैं जेबी गुप्ता पढ़ता हूँ, ठीक है ना। मैं जो जेबी गुप्ता मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जेबी गुप्ता का एक थ्योरिटिकल आता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, एक बुक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट EDC, वो पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थ्योरी थ्योरी है, ठीक है ना। एक तरह का पूरा बुक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना भी पेपर होता है वो सारा एक बुक में समा दिया है उन्होंने, ठीक है ना। तो अगर EDC थोड़ा सा मोटी बुक होती है, लगभग बहुत मोटी बुक होगी वो, तो उसको अगर पढ़ लोगे तो वो बेटर है, वो मतलब सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो जाएगा उससे। और अगर इसको प्रैक्टिस करना रहेगा तो जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव एक आता है, ठीक ना, जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव आता है तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लोगे। इसमें होता क्या कि गेट का क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, गेट ईसी का ईएससी का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, गेट एंड ईएससी का क्वेश्चन रहता है इसमें। तो आपको उतना हाई लेवल पर क्वेश्चन नहीं बनाना, लेकिन होता क्या है दोस्त, आपने देखा होगा कि जो आपने आरआरबी जेई का प्रीवियस क्वेश्चन अगर उठाओगे, मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, आरआरबी जेई का सोल्यूशन मैं कराया हूँ, तो आप मेरा प्लेलिस्ट में चेक करना, चैनल पे जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट चेक करना, आरआरबी जेई का मैंने प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दिया हूँ मैं। तो उसमें देखना कि बहुत सारा क्वेश्चन जो वो गेट से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ईएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जेबी गुप्ता हमारे हिसाब से अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्जी, आप जो पढ़ो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जेबी गुप्ता इज द बेस्ट बुक ना फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जेबी गुप्ता एक नंबर जगह, मतलब एक कहिए कि कम समय में अच्छा अचीव करने के लिए जेबी गुप्ता इज द बेस्ट बुक, ठीक है ना। तो वहां से आप कंप्लीट कर लेना। तो ऐसा नहीं कि आप जेबी गुप्ता से ही पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ लेना, आपके जो आपके पास जो बुक अवेलेबल है वहां से पढ़ो। बस आपका टॉपिक जो होना चाहिए वो ECM होना चाहिए, ठीक है ना, कंपोनेंट एंड मटेरियल होना चाहिए, EDC डिवाइस एंड सर्किट होना चाहिए, ठीक है ना, डिजिटल आपका होना चाहिए, बेसिक अच्छा होना चाहिए डिजिटल। फिर उसके बाद अपने पास कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन अच्छा कर लेना। ये चार पांच टॉपिक जो है, इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लोगे तो 50% क्वेश्चन जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का यहीं से कवर होता है, ठीक है ना। 50% क्वेश्चन जो कवर अप करता है ये चार सब्जेक्ट ही कवर अप करता है, बाकी 50% में आपके पास 6 या 7 सब्जेक्ट होता है वो कवर अप करेगा 50%। तो अगर ये चार सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना तो 50% तो कहीं नहीं जा रहा है, इससे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ECM होता है, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल, थर्ड इंपॉर्टेंट होता है EDC, एंड फिर फोर्थ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। इस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। चलो वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं, कोई ऐसा कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करना, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। कुछ ऐसा कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बेहिचक आप मुझे कमेंट करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर देना इस वीडियो को, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर करना इस वीडियो को। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक जो रहेगा, एक न्यू टॉपिक, या फिर कोई ऐसा आपको कोई डाउट है जिस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, वो कमेंट का मैं उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। ये जो मैं वीडियो लाया हूँ, किन्हीं ने एक मुझे सजेस्ट किया था कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, मैं उसी टॉपिक में मैं खास कर उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है ना। तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए सर, तो मैं उस पर वीडियो बना के दे दिया, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।